वेलकम टू माय चैनल। मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पोछा लगाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम घर पर पुराने पड़े हुए वाइपर से पोछे के कपड़े को तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की पुरानी टी शर्ट ली है और बीच में उसमें सेंटर में होल कर लिया है, जिससे कि मैं वाइपर के पाइप को इसमें डाल सकूं। और बहुत ही अच्छा आज आपको पोछा बनाना बता रही हूं और लगाना भी बताऊंगी दोस्तों, कि आप खड़े खड़े कैसे मिनटों में इतने बड़े घर का पोछा लगा सकें। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं, टी शर्ट को मैंने फ़ोल्ड किया और उसके बाद उसमें सेंटर में होल कर लिया है और फिर से अब टी शर्ट को फोल्ड किया है। कोशिश करें कि हौजरी क्लॉथ की टी शर्ट हो तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो बच्चों का जो पुराना पैजामा होता है वो भी आप ले सकते हैं, तकिए का कवर भी ले सकते हैं या कोई पुराना टॉवल भी ले सकते हैं, वो कपड़ा जिसे कि पोछा लगाने में बहुत अच्छा रहे और जो पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का हौजरी क्लॉथ वाली टी शर्ट ली है और थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे स्ट्रिप्स काट रही हूँ। आपको दिख रहा होगा 8-8 इंच लंबी करीब मैं इस तरह से पट्टियाँ काट रही हूँ और एक एक जैसी ही हमें काटना है। ऐसा नहीं कि एक पट्टी हमने लंबी काटी और एक छोटी काटी है, करीब करीब यही कोशिश करें कि एक जैसे हमारी पट्टी कट जाए। तो टी शर्ट के आगे के हिस्से में बस मैं इसी तरह से इस पट्टी को काट रही हूँ दोस्तों। हमें आखिरी तक के इसी तरह से इन पट्टियों को काटना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम खड़े खड़े पोछा लगाएंगे तो ये पोछा हमारा, पोछे का कपड़ा जो है वो घर के कोने कोने तक के जा पाएगा, चाहे सोफे के नीचे, चाहे डाइनिंग टेबल के नीचे हो, चाहे हमारे डबल बेड के पलंग के नीचे हो। तो हम बहुत ही सफाई से पोछा लगा पाएंगे यदि मैं इस स्ट्रिप्स को नहीं काटूंगी। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि इस होल में आप वाइपर की डंडी डाल दें और पोछा लगा सकते हैं, परंतु एक बार इस तरीके से भी आप पोछा बनाकर जरूर देखें। तो इस तरह से मैंने टी शर्ट के आगे वाले हिस्से में पूरी स्ट्रिप्स जितनी भी थी, जितने भी कपड़ा है, एंड तक के काट लिया। तो ये आगे का हिस्सा हमारा तैयार है। अब हम इस टी शर्ट को पलटेंगे और पीछे की तरफ के हिस्से में भी हम काटेंगे। मैंने इस टी शर्ट की आस्तीन को अलग कर दिया है दोस्तों, नहीं तो वो अलग से झूल रही थी। आप चाहें तो दूसरे कपड़े की भी टी शर्ट ले सकते हैं। मैंने दो तरह के कपड़े रखे हैं दोस्तों, जो भी आपके काम की नहीं हो आप लें। तो इस तरह से मैं टी शर्ट को आगे पीछे दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने स्ट्रिप्स काट ली है। अब मैंने एक पुराना वाइपर लिया है दोस्तों, जो कि मेरे ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा ख़राब होने लगा है, तो मैंने बस वाइपर की डंडी में इसे पहना दिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि हमें पोछा कैसे लगाना है। तो पानी की बाल्टी ली है मैंने, पानी हमेशा बिल्कुल साफ पानी लें पोछा लगाने, और ये हमारा पोछे का कपड़ा तैयार है जिसे हम खड़े खड़े बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हैं। तो मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ दोस्तों। नमक डाल के पोछा लगाने से बिल्कुल भी जर्म्स नहीं रहते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो पिसा हुआ नमक डालें या खड़ा नमक डालें, मैं हमेशा खड़े नमक का यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू नहीं है दोस्तों तो आप विनेगर डाल दें। विनेगर के पानी से पोछा लगाने से घर में बहुत ही शुद्धता होती है, मक्खी मच्छर और कोई भी जो कीड़े मकौड़े होते हैं वो नहीं आने पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कभी कभी आप एक कपूर की टिकिया भी डाल दें, कपूर को क्रश कर दें, या इस तरह से ये जो नेफ्थिलीन बॉल्स आती है जिसे कि हम फिनाइल की गोलियां भी बोलते हैं दोस्तों, तो मैं कभी कभी इस तरह से एक फिनाइल की गोली को हल्का सा चूरा करके इसमें डाल देती हूँ, क्रश करके इसमें डाल देती हूँ, थोड़े सेकेंड में ही वो पानी में घुल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम घर पर नेचुरल तरीके से फिनाइल भी बना सकते हैं और घर को कीटाणु रहित भी कर सकते हैं। साथ ही इस पोछे के द्वारा मैं आज आपको अपने घर का कोना कोना चमकाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो हमने वाइपर पे टी शर्ट पहनाई, आप देखिए कितने अच्छे से पहनी हुई है ये टी शर्ट को मैंने इसमें जो डाला है, और इसकी जो हमने स्ट्रिप्स काटी है दोस्तों, तो ये सफाई करने में बहुत ही मदद करती, खासकर टाइल्स के जो किनारे होते हैं दोस्तों, आप देखेंगे रोज़ पोछा लगाने के बाद भी उसमें धूल जम जाती है। तो अब आप देख रहे हैं मैं कमरे में इस तरह से पोछा लगा रही हूँ। एक बार मैंने इस पोछे के कपड़े को बाल्टी में दोनों तरफ से ऐसे झुका कर धो लिया है ताकि जो भी धूल लगी है वो निकल जाए। बस एक बार हमें हाथों से इसे निचोड़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। परंतु ये देखिए कि कितना आसान है लगाना। अब इतना बड़ा सोफ़ा है, इतना भारी है दोस्तों कि मैं इसे खींच नहीं पाती हूँ। दो लोग लगते हैं इसे खींचने में। सोफ़े के अंदर अंदर तक के इस वाइपर को मैं डाल रही हूँ और बहुत ही सफाई से पोछा लगा रही हूँ। ये टेबल भी इतना भारी
भारी है और कांच का टॉप है दोस्तों, इसे हम खींचेंगे तो टूटने का भी डर है। वैसे भी भारी चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। तो अब आप देखिए, टेबल के अंदर, सोफे के नीचे, डबल बेड के पलंग के अंदर भी मैं आपको इसी तरह से पोछा लगा के दिखा रही हूँ। मतलब हम कितनी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। यदि हम बैठ कर पोछा लगाएंगे दोस्तों, तो हम इतने अंदर इतनी सफाई से पोछा नहीं लगा सकते जैसे कि जो पोछा हमने बनाया है पुराने वाइपर का यूज़ करके। आपको खुद को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कितने अच्छे से ये वाइपर सोफे के अंदर, टेबल के अंदर, घर के एक एक कोने में पहुंचकर सफाई कर रहा है। ये छोटे छोटे स्टूल रखे हैं दोस्तों, इन्हें तो हम रोज़ हटा भी नहीं पाते हैं। पर आप देखिए, ये मेरे टीवी का स्टैंड है जिसके अंदर तो पोछा लगाना बहुत कठिन है। मैं पूरा वाइपर मैंने अंदर डाला है, बाहर से आप देख रहे हैं पूरी डस्ट वो अपने साथ खींच कर ला रहा है। तो इस तरह से घर पर आप पुराने पड़े हुए वाइपर, पुरानी टी शर्ट से ज़रूर पोछा बनाइए और पोछा लगाइए, और घर को, आपका घर का एक एक कोना इस वाइपर वाले पोछे से चमक जाएगा। तो ये तरीका था दोस्तों पोछे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।